हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग मेथड लेकर आई हूं, जिससे आप काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज आपको आगे वीडियो में मैंने बताई है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो पूछना जरूर। सारी चीजें क्लियर आउट करने के बाद ही आपको वर्क स्टार्ट करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। आपके पास सिर्फ फोन है तो भी आप ये काम कर सकते हो, आपके पास कोई डिग्री स्किल्स नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी ये काम कर सकता है। बहुत सिंपल है काम और बहुत अच्छी खासी आपकी अर्निंग इससे होने वाली है। तो चलिए अब जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इस पर लाइक एंड शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और आपको सर्च करना है 5 टिप्स टू स्टे हेल्दी वाइल फास्टिंग इन श्रावण मंथ। हम सबको पता है कि श्रावण का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं। ये जो कमांड है ना, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे, उसमें से एक आपको चूज कर लेना है। आप खोल खोल के देख लेना, ज्यादा नहीं 5-7 होंगे फर्स्ट पेज पे, उन्हीं में से आपको एक चूज करना है। एक एक बार उनको रीड कर लेना, जो आपको सबसे बेस्ट लगे ना वो आपको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए ओपन कर रखा है, ये है वो आर्टिकल, ज्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ थोड़ी काम की चीजें इसमें लिखी हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा है, तो इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगी ऐसे ही। अब हमें आना है दोबारा से गूगल पे, जहां पे हमें सर्च करना है एफ पे रिलीजियस ग्रुप्स। अब आप एक चीज नोटिस करना यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल रहा है जिसमें 5.7K मेंबर्स हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी आपको ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पेजेस भी हैं आगे। आप पेजेस आगे करते जाओगे तो आपको और ज्यादा ग्रुप्स यहाँ पे मिलते जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप एक और चीज नोटिस करो तो ठीक इसके ऊपर मुझे ना यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रुप दिखा है जिसके मेंबर्स हैं 30K, यानी कि मेरे पास बहुत अच्छा चांस है 30,000 लोगों के बीच अपनी किसी भी चीज को शेयर करना, चाहे वो लिंक हो, पोस्ट हो या फिर कुछ भी, उसको शेयर करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये भी रिलीजियस है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हम कंटेंट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या सर्च किया था, 5 टिप्स टू स्टे हेल्दी वाइल फास्टिंग इन सावन मंथ। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए चलेगा जो हिंदू कल्चर के हैं, जो सावन महीने में फास्ट रखना पसंद करते हैं, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कैसे, कि व्हाई वी शुड फास्टिंग वंस अ मंथ। चाहे कोई भी धर्म हो या कोई भी आप कह सकते हो कोई भी इंसान हो, वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड अच्छी बातें जरूर जानना चाहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया है टॉपिक को थोड़ा सा, कि महीने में एक बार आपको फास्ट जरूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस आर्टिकल को हम ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको क्या क्या ओपन करना है, क्या क्या फाइंड करना है। अब अर्निंग कैसे करनी है वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आर्टिकल आपने ये वाला ओपन किया है, ओके गुड है। अब आपको फेसबुक पे जाना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है। अगर नहीं है तो वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी कोई आईडी हो ना, आपको ना अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है एफपी रिलीजियस ग्रुप्स। जितने ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं ना वो आपको ज्वाइन कर लेने हैं। जैसे कि क्रिश्चियन वाला हमें ज्वाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ग्रुप आ चुका है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि वहां पे 30K मेंबर्स शो हो रहे थे, क्योंकि वो पोस्ट या फिर वो लिस्ट काफी पहले बनाई होगी। अब इनके जो मेंबर्स है वो है 89.3K, तो काफी अच्छा हमारे पास चांसेस को ना आपको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो हर किसी के पास पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जैसे इन बाकी लोगों ने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की है ना, वैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है पोस्ट क्रिएट करने का। तो आपको क्या पोस्ट क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहीं के लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा उन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा, तो हमें इस टाइप का आर्टिकल वहां पे शेयर करना है। हाउ फास्टिंग वंस अ वीक और मंथ कैन बी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अब इस आर्टिकल को हमें शेयर करना है फेसबुक पे, बट हमें बेनिफिट कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल को शेयर करने से कैसा बेनिफिट होगा, हमने ना तो अपनी कोई एफिलिएट लिंक लगाई है ना ही हमने कुछ और किया है यहाँ पे, तो अर्निंग कैसे होगी। उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे चलना है जिसका नाम है shortyearn.com। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि मुझे ये वेबसाइट पसंद क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे आप इसके फीचर्स देखोगे ना, डेली आपको पेमेंट्स मिलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि महीने की सिर्फ उसी दिन आप अपनी पेमेंट को रिलीज कर सकते हो। पॉपअप एड्स नहीं है यहाँ पे कि कोई भी पर्सन जब शॉर्ट लिंक को ओपन करता है तो यहाँ वहां से ऐड आ जाते हैं, वो कहीं भी क्लिक करे एक नए ऐड पहुंच जाता है, तो वो चीज नहीं होती है। इजिली यहाँ पे लिंक मिल जाती है, $1 मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट है। और बहुत सारे जो URL शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स होती है वो क्या करती है कि एक IP एड्रेस से 24 आवर्स में सिर्फ एक ही व्यूज वो काउंट करती है। यहाँ पे पर IP एड्रेस से 24 आवर्स में 4 व्यूज काउंट कर सकते हैं, 4 से भी ज्यादा है वैसे तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई इंसान 4-4, 5-5 बार हमारी लिंक पे क्लिक करता है तो वो 4-4, 5-5 व्यूज काउंट होंगे, एक नहीं होगा, 4-4, 5-5 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको पेमेंट मेथड्स काफी सारे मिल रहे हैं, वो तो मोस्टली आपको हर URL शॉर्टनर में मिलते हैं, बट स्टिल ये चीज भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगी है। अब स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी हो रही है, ग्रीनलैंड पे अगर आप शेयर करते हो, वहां से व्यूज लाते हो, तो $50 की आपको अर्निंग होती है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे इंडिया से अगर आप व्यूज ला रहे हो तो $4 की अर्निंग हो रही है, बट बेनिफिट इसमें क्या है कि आपके ज्यादा व्यूज काउंट हो रहे हैं तो आपको अर्निंग जल्दी मिलेगी। अब हम इसके साइन अप वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे है ना आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, सिंपल से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर नेम लिखना है, फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड को री एंटर कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट के इस बॉक्स पे टिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इनकी टर्म्स ऑफ यूज प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री कर देना है और रजिस्टर पे आपको कर देना है क्लिक। आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको सब कुछ 00 दिख रहा होगा, हमारा न्यूली क्रिएट अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट्स दिख जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करोगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था यहाँ पे, वो चीजें यहाँ पे शो हो रही है। पर IP एड्रेस से आपको 4 व्यूज मिलेंगे, मिनिमम यहाँ पे विड्रॉवल अमाउंट जो है वो $1 है, जैसे ही $1 हो जाएगा आप यहाँ से अपना विड्रॉ ले सकते हो। दूसरा है रेफरल भी है यहाँ पे, 20% आपको मिलता है, और पेमेंट यहाँ पे होती है डेली आप विड्रॉ ले सकते हो यहाँ से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया में आपको $4 मिल रहे हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे आपको $4 मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे 1000 व्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने फर्स्ट विड्रॉ के लिए। फर्स्ट विड्रॉ आपका हो जाएगा 250 व्यूज में, जैसे ही आपकी जो लिंक आप शेयर करोगे यहाँ पे शॉर्ट करके, उस पर 250 व्यूज आएंगे, आप अपना फर्स्ट विड्रॉ ले सकते हो बहुत इजिली। यहाँ पे आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे सारे जो स्टेट्स हैं आपके, और ग्राफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू शॉर्टन लिंक के ऑप्शन की, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मोस्टली ये जो ऑप्शंस रहते हैं ना, ये URL शॉर्टनर वेबसाइट्स में सेम से रहते हैं। तो अब यहाँ पे URL लिखना है, तो URL में आप क्या लिखोगे, ये वाला हमारा आर्टिकल था, इसकी लिंक को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अलाइज में आप ऐड कर सकते हो व्हाई फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट, इसको हम कर देंगे शॉर्ट। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो मोस्टली लोग नहीं बताएंगे आपको। एडवर्टाइजिंग टाइप में ना आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 पेजेस एडवर्टाइजमेंट, 2 पेजेस एडवर्टाइजमेंट और 1 पेज एडवर्टाइजमेंट। अगर आप स्टार्टअप हो, आप बिगनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो आप URL शॉर्टनर वेबसाइट पे वर्क करने में, तो आप 1 पेज एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो लिंक। उससे क्या होगा कि जो लिंक आपको मिलेगी ना, उसको आप किसी को भी शेयर करोगे तो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे उनको एक एड का पेज दिखेगा, ठीक है, जिससे आपको अर्निंग होने वाली है। आपको ना उसी मेन चीज की अर्निंग होती है, जो एड सामने वाले वो दिखते हैं ना, उसी से आपको अर्निंग होती है उसको ना, बट एक ही पेज का एड मिलेगा। जैसे ही वो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि बीच में सिर्फ एक ही पेज आएगा एड का। अगर यहाँ पे 2 पेजेस वाले पे आप करते हो तो एड के 2 पेज आएंगे, और 3 पेज वाले पे करते हो तो एड के 3 पेज आएंगे। अब डिपेंड इस पे भी करता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हो। अगर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप 3 पेजेस वाला कर लो। अगर वो इतना ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, नॉर्मल सा है, आपको नहीं लगता कि वो इतना एक्साइटेड कर सकता है लोगों को कि वो 3-3 पेज पे एड देखे, एक पेज पे देखेंगे बहुत है, तो आप 1 पेज एडवर्टाइजमेंट करके अपने लिंक को शॉर्ट करो, ठीक है। अब हमारी लिंक यहाँ पे हो चुकी है शॉर्ट, हमने यहाँ पे कॉपी भी कर ली। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करो व्हाई वी शुड फास्टिंग वंस अ मंथ, सेम कमांड आपको सर्च करनी है, बट इस बार आपको जाना है इमेजेस में।
या फिर आप चाहो तो canva.com वेबसाइट है, वहां से आप डिजाइन भी कर सकते हो अपनी इमेज को। जैसे आप डिजाइन करना चाहो आप वैसे डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन नहीं करना है तो गूगल पे आओ, सर्च करो, बहुत सारी इमेजेस लाखों में मिल जाएंगे आपको इमेजेस। जो भी इमेज आपको पसंद आए ना, आपको सिंपल से उसको चूज कर लेना है, उसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर लूंगी डाउनलोड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने ज्वाइन किए हुए फेसबुक ग्रुप पे जाना है। पोस्ट लिखने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। कुछ कुछ यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपको एड अप करने में, बट वो कर देते हैं, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ना, आपको अपनी सिंपल सी पोस्ट लिखनी है, कोई ज्यादा हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी हाई फाई होती है ना, कई बार क्या होता है उतने कम लोगों को समझ आती है और उतना कम रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। सिंपल सी आपको पोस्ट लिखनी है, नहीं समझ आ रहा है कैसे पोस्ट लिखें, क्या लिखें उस पोस्ट में, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे चले जाना है, फ्री में आपका सारा काम हो जाएगा। टॉपिक लिख देना है और लिखना है कि फेसबुक के लिए एक पोस्ट रेडी करनी है, टॉपिक है ये सारा। या फिर ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, सिंपल से आप लिखो कि कभी आपने, मतलब आप चाहो तो हिंदी में लिखो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिखो, दोनों आपकी मर्जी है। बस मेन जो कंटेंट है वो ऐसा टाइप का होना चाहिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार फास्ट रखते हैं तो आपको कितने बेनिफिट हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिर आपकी बॉडी हेल्थ हो। तो इस टाइप से ना थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क डाल देने हैं सामने वाले की दिमाग में, ताकि वो भी ये जानना चाहे कि महीने में एक बार अगर सिर्फ एक दिन के लिए वो फास्ट रखता है तो कितने ज्यादा उसको बेनिफिट हो सकते हैं। उसको देखने के लिए, जानने के लिए वो लिंक पे क्लिक जरूर करेगा, और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे एक वहां पे एड का पेज आएगा। जैसे वो कंटिन्यू करेंगे आपके यहाँ पे आपकी अर्निंग एड हो जाएगी और उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रेफरल की। मैंने आपको रेफरल का भी बताया था, रेफरल का ऑप्शन यहाँ पे है, क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपकी रेफर लिंक मिल चुकी है। जिसको भी आप ये शेयर करोगे वो अकाउंट क्रिएट करेगा, जितनी भी अर्निंग वो करेगा ना उसकी 20% आपको मिलने वाली है। डोंट वरी, उसकी अर्निंग में से कुछ भी कट नहीं होगा। ये आपको shortyarn.com वेबसाइट की तरफ से बोनस मिलने वाला है, क्योंकि आपने और ज्यादा यहाँ पे लोगों को जोड़ा है। विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विड्रॉ का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आपकी अर्निंग यहाँ पे होती है $1, आपको विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको ना यहाँ पे एक ब्लूइश कलर में हेयर लिखा होगा HERE, वहां पे क्लिक करके अपनी पेमेंट डिटेल्स आपको सेटअप कर देनी है। जैसे कि आप पेमेंट कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो, पेमेंट का पेपाल चूज करना चाहते हो अगर, तो पेपाल की डिटेल्स आपको वहां पे सेटअप कर देनी है। ये ऑप्शन मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ तो आज मैं स्किप कर रही हूँ उसको। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने पूरी आपको स्ट्रेटेजी टाइप बताई है वो अच्छी लगी होगी आपको, अच्छे से ये वर्क करेगी आपके लिए। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो जरूर से मुझे कमेंट में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी और वीडियोज आपको देखनी है तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, आप जरूर से उनको भी वॉच करना। फिर जो भी तरीका आपको अपने लिए सबसे अच्छा लगे उस पे टिक के आपको काम करना है, कम से कम 1 से 2 हफ्ता, तभी आपको थोड़ा रिस्पांस देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा थोड़ा ही रिस्पांस मिलेगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यानी जितना टाइम आप यहाँ पे वर्क करते जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।